Hey guys, welcome back. आज बात करते हैं Google Pixel की रिपेयर पॉलिसी एंड प्राइसिंग जो भी वट एवर रिलेटेड है, स्पेशली फॉर द लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है Pixel 4 है, क्योंकि अभी यही इंडिया में लॉन्च हुआ है 4G स्मार्टफोन, नॉट भी 5G। तो इसके रिपेयर चार्जेस क्या है, क्या क्या पॉलिसी है और इनके साथ यूज़ कर रहे हैं या फ्यूचर में पिक्सल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो sort of आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आपने पिक्सल 4A की ड्यूरेबिलिटी नहीं देखी तो प्लीज़ इसको पॉज करके इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बिकॉज सारी स्टोरी आपको तभी समझ में आएगी एग्जैक्टली है क्या। थोड़ा सा वियर्ड है, मैं आपको बताता हूँ क्या। यू गाइस नो, जो भी फ़ोन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं दे ऑल परचेस्ड एंड जब वो कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं, आई मीन देन मेरे नज़रिए में क्या है कि यू नो वो काइंड ऑफ ई वेस्ट है। मैं उनको 4-5-10 साल रखे रहूँगा, फिर सम डे मुझे थ्रो आउट करना पड़ेगा। मैं उनको रिपेयर कराता हूँ जब कम्प्लीटली डेड होते हैं, अदरवाइज सेमाई डेड है यानी कि क्रैक कंडीशन में है तो भी मैं उनको यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज यू नो सो मेनी स्मार्टफोन्स हैं तो मैं इसलिए स्विच कर लेता हूँ। सो पिक्सल 4A मैंने सेंड किया था रिपेयर में, एंड अगर आपने टेस्ट देखा है तो आपको पता होगा कि उस फ़ोन का सिर्फ डिस्प्ले डेड हुआ था और एज सच कोई इश्यूज़ नहीं थी, फ़ोन परफेक्टली टर्न ऑन हो रहा था, टर्न ऑफ हो रहा था। फ़ोन ऑब्वियसली मैंने रिपेयर नहीं कराया है, क्यों नहीं कराया है, रियली टफ बॉक्स। गूगल इटसेल्फ इंडिया में फोन रिपेयर एंड पिक ऑल द स्टफ नहीं करती है। गूगल की एक थर्ड पार्टी से पार्टनर है, B2X कंपनी है, आपने देखा होगा B2X है, वो गूगल का फोन पिक करते हैं, ऑल द थिंग करते हैं एंड देन फोन रिपेयर को जाता है जो भी होता है। ओके, सिम ट्रे यहाँ पे बाहर रखा हुआ है। स्क्रैचेस फाउंड डिस्प्ले एंड बैक पैनल, डेंट्स फाउंड ऑन रियर, CID कंडीशन, आई डोंट नो CID कंडीशन क्या होती है, कुछ है। एंड हियर इज द फोन, सिम ट्रे यहाँ पे है, फोन यहाँ पे है एंड ओके लेट्स टर्न ऑन। मे बी बैटरी डेड हुई होगी। ऑलराइट, तो पहले फोन पिक होता है, यहाँ से मुंबई जाता है, देन वहाँ पे एग्जामिन होता है, देन ऑल दिस थिंग कम। ओके, सो यहाँ पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी फोन हम ट्राई करते हैं उन सभी फोन में रिलेबिलिटी में हम फोन का वाटर टेस्ट भी जरूर करते हैं। अगर मैं आपको इस फोन के बारे में बताऊँ कि तकरीबन 2 साल पुराना फोन है, और जब मैंने इस फोन का वाटर टेस्ट किया था इस फोन में पानी चला गया था। ऑब्वियसली सभी फोन में पानी जाता है, यू रिमेंबर जो हमने अभी लास्ट फोन ट्राई किया लाइक इन्फिनिक्स 08i, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी पानी फोन से निकल रहा था। आइकोमैक्स ट्राई किया एंड सभी ट्राई किए, सो सभी फ़ोन में अगर फ़ोन ऑफिशियली IP रेटेड नहीं है लाइक IP67 नहीं है, थोड़ा मोड़ा पानी जाता है। बहुत से सोर्सेस होते हैं जहाँ से पानी जा सकता है, लाइक स्पीकर के एरिया से, आपके टाइप सी हेडफोन जैक एंड सिम ट्रे तो है ही है, तो ये कुछ 4 पॉसिबल एरिया होते हैं जहाँ से पानी इजिली इंटर कर सकता है। अगर आप फोन का ट्रेड ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा कुछ होता है, लेकिन फ़ोन फिर भी मुझे लगता है 98-99% केसेस में वर्किंग रहता है। देखिए 2 साल फ़ोन है, मैंने इसका स्प्लैश टेस्ट किया था लेकिन फ़ोन अभी भी परफेक्टली वर्किंग है। अगर आप काफ़ी लॉन्ग यूज़ करते हैं, ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत होते हैं आपके स्पीकर से भी पानी चला जाए। तो बैटरी डेड थी, मैंने 10 मिनट लगा के छोड़ा, अब फ़ोन चार्ज हो रहा है, मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, मैं सुनाई पड़ा आपको। यानी कि थोड़ा साउंड भी आ रहा है जब हम फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, तो फ़ोन वर्किंग है, जस्ट इसका डिस्प्ले डेड है। जब मैंने फ़ोन को सेंड किया, क्योंकि मुझे पता था कि फ़ोन में और कोई डैमेज नहीं है, सब सिर्फ डिस्प्ले चेंज कराना है, बटन पोर्ट ऑल थिंग्स सब कुछ वर्क कर रहे हैं, देन यू नो अदर थिंग्स क्यों मैं चेंज कराऊँ, जस्ट मैं डिस्प्ले चेंज कराऊँगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम कस्टमर केयर पर चेक किया कि कितना प्राइस लगेगा फॉर डिस्प्ले, तो लगभग 4.5 से 5 हज़ार रुपये बताया गया, जो कि मुझे लगता है परफेक्टली ओके है। तो मैंने फ़ोन इस हिसाब से सेंड किया कि यू नो अराउंड 5 हज़ार रुपये लगेंगे, फ़ोन रिपेयर रहेगा। फ़ोन लोनर पॉलिसी अब बंद हो गई है, क्योंकि बहुत ही एक्सेलेंट पॉलिसी थी। रिमेंबर जब मैंने पिक्सल 2X रिपेयर कराया था तो मुझे नेक्सस 5 दिया गया था, मैंने वही ऑप्ट किया। आपके पास और भी ऑप्शन थे, आप पिक्सल भी ले सकते थे, 1 साल पहले तक का फ़ोन देते हैं। तो ये पॉलिसी अब बंद हो गई, यानी कि अब आपको कोई फ़ोन नहीं दिया गया। B2X ऐप से ही आपका फ़ोन रिपेयर होता है, गूगल खुद के बंदे नहीं सेंड करती है, फ़ोन आपका मुंबई जाता है वहाँ से रिपेयर होता है। फ़ोन ऑब्वियसली आपका सर्वे के लिए जाता है, देन आपको एस्टिमेट भेजा जाता है, लेकिन मुझे जो एस्टिमेट आया था वो अराउंड 25,000 का आया था। आपने ट्वीट भी देखा होगा मैंने मेंशन किया था, आज की डेट का प्राइस देखें तो विदाउट डिस्काउंट ये फ़ोन 31,000 का मिल रहा है। अगर आप कुछ कार्ड्स ऑफर या
कुछ सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज भी लगा देते हैं तो एटलीस्ट 2-3,000 आप आसानी से कम हो जाएगा। तो 28-29 तक ये फ़ोन आप पा सकते हैं और 25,000 रुपये इसका रिपेयर प्राइस लग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फ़ोन तो वर्किंग है, सिर्फ डिस्प्ले के अभी भी वाइब्रेशन फील हो रहा है, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर सॉर्ट ऑफ वर्किंग है, सब कुछ वर्किंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि 30,000 का फ़ोन और डिस्प्ले डेड से रिप्लेस करने का, यू नो 25,000 दैट इज़ इनसेन। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सो मैंने गूगल के कस्टमर केयर से बात की, यू नो टोल फ्री पे चेक किया कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आई मीन सिर्फ डिस्प्ले इसका नहीं वर्किंग है, बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं, देन व्हाई आर यू सेइंग दिस थिंग। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर आपके फ़ोन में थोड़ा सा भी पानी चला गया ना, आई मीन 1 drop 2 drop भी है थोड़ा, मतलब आई मीन अब ऐसा तो नहीं कहेंगे ना 2 बाल्टी पानी घुस गया फोन में, उतना तो घुस ही नहीं सकता है, कुछ ही बूंद पानी जाते हैं, ऑब्वियसली फ़ोन है छोटा सा। सो उस केस में वो मदरबोर्ड रिप्लेस कर देते हैं। यू नो मैंने कहा कि मेरा फ़ोन परफेक्टली वर्किंग था, जस्ट डिस्प्ले डेड था, तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। गूगल की क्वालिटी एश्योरेंस ये कहती है कि इवन दो अगर आपका फ़ोन वर्किंग है, करंट स्टेज में थोड़ा सा पानी गया है अंदर, सो फॉर फ्यूचर रेफरेंस कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मदरबोर्ड रिप्लेस किया जाता है। और जब मदरबोर्ड रिप्लेस होता है एंड थोड़ा सा अदर डैमेज है, अगर फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मेरे केस में डेड था, तो पूरा फ़ोन ही रिप्लेस कर देते हैं। अगर डिस्प्ले ओके है, सिर्फ पानी गया है, तो आपका मदरबोर्ड चेंज कर देंगे, तो परहैप्स 15-16,000 रुपये का खर्चा आता उसमें। लेकिन डिस्प्ले डेड है और थोड़ा सा पानी गया है, देन आपका पूरा फ़ोन रिप्लेस होता है। तो दैट्स द वियर्ड थिंग, क्योंकि आपको कहीं और पार्ट नहीं मिलता, आपको थर्ड पार्टी लोकल पार्ट लगवाना पड़ता है, आई थिंक मुझे वही करना पड़ेगा। बट अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले डेड है, थोड़ा सा पानी गया है, देन होल मदरबोर्ड इज चेंज, और मेरे केस में पूरा फ़ोन चेंज हो रहा है। दैट्स वाई 25,000 रुपीज़ इस फ़ोन का रिपेयर चार्ज पड़ रहा है। तो दैट इज़ इनसेन। सो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि कोई ओनर फ़ोन नहीं दिया गया, ओके। एंड आफ्टर दैट जब मुझे सिर्फ डिस्प्ले ही चेंज कराना है, तो क्यों मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं पूरा फ़ोन रिप्लेस कराऊँ? वाई? जब काम 6,000 रुपये में हो सकता है, यू नो आप सिंपल सा डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि बेस्ड ऑन यूजर रिक्वेस्ट वी हैव चेंज द डिस्प्ले, इफ़ एनीथिंग हैपेंस विथ योर फोन विद द करेंट कंडीशन इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो इट्स ओके, करेक्ट, एवरीबडी एग्रीज, कोई ब्लेम नहीं करेगा कि आपने क्यों नहीं चेक किया, फ़ोन ने पानी था। आई मीन यू शुड हैव टू गिव चॉइस, आपको यूज़र को चॉइस देनी चाहिए कि आपके फ़ोन ने पानी किया है। अगर आप कहें तो हम मदरबोर्ड रिप्लेस कर देते हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट नो कंप्लीट आपको रिपेयर करना पड़ेगा, करेक्ट। सो अगर आप नहीं करते हैं तो विदिन 4 days आपका फ़ोन वापस आ जाएगा और जो पिकअप चार्ज लगा 500 rupees दैट इज़ ऑल्सो गॉन। तो फिलहाल तो गाइस मेरा डिस्प्ले डेड है इस फ़ोन का, एंड आप गूगल के पास भेजेंगे तो आपका पूरा फ़ोन रिप्लेस होगा। सो व्हाट आई कैन डू, मैं मे बी किसी साइट से, थर्ड पार्टी साइट से या आउटसाइड इंडिया से डिस्प्ले इंपोर्ट कराता हूँ, देन इस फ़ोन का हम ट्रेड ऑन करते हैं, देखते हैं डिस्प्ले कैसे रिप्लेस होता है और क्या क्या कंपोनेंट्स इनसाइड में है। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।